हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकंड में विद्युत धारिता। विद्युत धारिता के बारे में पूरा बेसिक समझेंगे, है ना। और यदि आपके पास आ जाए किसी गोली चालक के कारण विद्युत धारिता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक। चलो, इसके बाद हम संधारित्र के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम विद्युत धारिता का पूरा बेस समझेंगे। इसके पहले के जो भी लेक्चर आपको दिए गए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट विजिट कर लो। साथ में कहना चाहूंगा टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में अब आपके लिए निरंतर कुछ नोट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम में शेयर कर दिया करूंगा। यदि आपको बेहतर नोट्स लेना है तो मेरे पर्सनल नंबर 9685295149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और एक प्रॉपर रूप से नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। धारिता, धारिता है क्या? एक रूप से मैं मोटे मोटे तौर पर यदि कह दूं तो जो धारिता होता है ना, वो आवेश ग्रहण करने की क्षमता, किसी वस्तु पर कितना आवेश ग्रहण करना, मतलब वो वस्तु कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, उसकी क्षमता वो धारिता कहलाती है। जैसे जैसे यदि मैं कह दूं कि एक पात्र है और इस पात्र में मैं द्रव डालूं, क्या, जैसे पानी ही डालूं। जब पानी डालूंगा तो पहले तल नीचे रहेगा, लेकिन जैसे जैसे पानी डालता जाऊंगा तल बढ़ता जाएगा, इसके ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, है ना, ये चीज है। इसी प्रकार से यदि किसी पदार्थ पर, एक हमारे पास पदार्थ है और इस पर आवेश दिया जाता है, ठीक, इस पर क्या दिया जाता है, आवेश। तो जैसे जैसे आवेश देंगे तो जितना आवेश होगा उसके कारण उतना ही उस क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और विभव ही उतना अधिक हो जाएगा। तो आवेश की मात्रा पर विभव डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे किसी चालक को हम आवेश देते जाएंगे, इसके विभव में भी वृद्धि होती जाएगी। विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। थोड़ा समझिएगा, जिस प्रकार से किसी खाली पात्र में आप द्रव डालते हैं, क्या डालते हैं, द्रव, तो इसका तल बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे आप एक लोटा ले लो और पानी डालते जाओ तो पहले नीचे रहेगा, फिर धीरे धीरे करके आप पानी डालते जाओगे उसका तल बढ़ता जाएगा। सेम उसी प्रकार से किसी हम पदार्थ की बात करें, यदि पदार्थ में आवेश दें तो आवेश के मान में वृद्धि होने से उसके विभव में भी क्या होती, धीरे धीरे वृद्धि होती है, यानी उसके विभव में इंक्रीज होता है। जैसे मैंने कहा कि खाली पात्र में पानी डालने से पानी का तल ऊपर उठता है, उसी प्रकार से यदि मैं कह दूं किसी पदार्थ में आवेश दे दूं तो आवेश देने से उस चालक या उस पदार्थ का विभव बढ़ जाता है। अर्थात यहां पर एक चीज निकला कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है, यानी आवेश देंगे तो विभव के मान में वृद्धि। तो विभव किस पर डिपेंड कर रहा है, आवेश पर डिपेंड कर रहा है, यानी विभव के मान में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब आवेश कहीं ना कहीं उसमें इंक्रीज हुआ है। तो यह चीज आप कह सकते हो कि यदि मैं कह दूं कि किसी भी चालक पर विभव का जो दर है वो आवेश के समानुपाती है, बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि विभव का मान जो है आवेश पर निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे किसी चालक के आवेश के मान में यदि वृद्धि कर रहे हो तो उसके विभव के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो किसी चालक को दिया गया जो आवेश है उसके विभव के समानुपाती, या किसी चालक पर उत्पन्न जो विभव है उसके आवेश के समानुपाती होता है। चूंकि यहाँ पर लिख सकते हो किसी चालक में दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। आप दोनों चीज लिख सकते हो, या तो आप आवेश जो है विभव के समानुपाती होता है, या विभव आवेश के समानुपाती होता है। तो किसी चालक को दिया गया जो आवेश है उसके विभव में वृद्धि या विभव के समानुपाती होता है, ऐसा लिख सकते हो। विभव में वृद्धि के समानुपाती, ये दोनों चीज लिख सकते हो, ठीक है। यदि चालक को दिया गया आवेश Q तथा चालक के विभव में वृद्धि भी हो तो क्या बोला गया, जो आवेश है भैया वो समानुपाती है किसके, V के, ठीक है।
मैंने क्या कहा, जैसे जैसे किसी चालक पर आवेश देते जाओ तो उसके ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, अर्थात उसके विभव के मान में भी वृद्धि होती जाती है, अर्थात ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जब प्यारे बच्चों हम समानुपाती हटाते हैं, एक नियतांक लग जाता है, जहां सी एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे पदार्थ की विद्युत धारिता कहते हैं, पदार्थ की विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है कि जो आपका C है एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। हमने कहा ना कि जो आपका भैया आवेश हम दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, यानी विभव के वृद्धि में, यानी विभव में जो परिवर्तन हो रहा है, विभव में जो वृद्धि हो रही है। हमने ऑलरेडी कहा कि भैया एक पात्र है, उसमें पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, तो एक ऐसा आएगा उसके तल में वृद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि हम किसी चालक पदार्थ ले लें, किसी चालक पदार्थ पर आवेश देते जाए, आवेश देते जाए, तो उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। किसके किसमें विभव वृद्धि होती है, चालक में। तो जब हमने देखा कि क्यों समानुपाती भी है, तो Q बराबर कितना हो गया, C भी। ये हमें जरूरत पड़ेगा आगे चलकर, क्योंकि हम यहीं से C का मान निकालेंगे। इसको आप समीकरण एक दे सकते हो, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, C बराबर Q अपान V। C बराबर Q अपान V, धारिता जो है आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया कि जो Q प्रोपोर्शनल V, जब हम समानुपाती हटाते तो एक नियतांक लग जाता है, जहां पे C क्या एक नियतांक है बच्चे लोग, और जो जिसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ की विद्युत धारिता कहते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, यदि यदि C का मान एक हो, यदि C का मान एक हो, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर नहीं करो, यदि V बराबर कर दो, कितना, जो आप V बराबर कह दो, V बराबर एक कर दो, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, Q बराबर C इंटू एक, तो आपका C इक्वल Q। ये कहां से आ गया, विभव मतलब इकाई की वृद्धि हो जाए, विभव मतलब इकाई विभव में वृद्धि हो रही हो। तो अब समझो, जो धारिता है वो किसी भी पदार्थ को दिए गए उस आवेश के बराबर हो, जबकि उस पदार्थ में विभव की इकाई वृद्धि हो रही हो। अब यहां समझ में नहीं आ रहा सर, क्या बता दिए, समझ में कछु नहीं आया। हमने कहा पहले समझो, एक पदार्थ लिया, पदार्थ में आवेश देते गए, जैसे जैसे आवेश में उसकी वृद्धि होती जाती, विभव में वृद्धि होती जाती, इसलिए एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी क्यों समानुपाती भी कर दिया, जब समानुपाती हटाया तो सी नियतांक लग गया, जहां सी क्या, समानुपाती नियतांक है, जिसे पदार्थ की विद्युत धारिता कहते हैं। यदि मैं यहां से सी बराबर निकालू तो क्यू बटे भी होता है। अब यदि किसी पदार्थ में विभव की इकाई वृद्धि हो रही हो, यानी भी बराबर एक हो, इकाई वृद्धि हो रही हो, इकाई मतलब एक विभव में वृद्धि हो रही हो, तो आप भी का मान रख दोगे समीकरण एक में, तो कितना हो जाएगा, भी बराबर, यहां पर भी का मान एक रख दो, भी बराबर एक रख दिए, तो सी बराबर क्यों हो गया, अर्थात जो किसी भी पदार्थ की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान में, उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे। यहां पर आप लिख सकते हो, अर्थात अर्थात पदार्थ की विद्युत धारिता, अर्थात पदार्थ की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान के, आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है, आंकिक मान के बराबर होता है, बराबर होता है जो कि पदार्थ, पदार्थ के विभव में, पदार्थ के विभव में इकाई वृद्धि कर दे, इकाई वृद्धि कर दे। यानी हमने कहा कि यदि किसी चालक, यदि मान लो ये पदार्थ हो गया, चालक पदार्थ है, इस पर आवेश देते गए, आवेश देते गए, इसके विभव में वृद्धि हो रही है। हाँ सर, विभव में तो वृद्धि होगी, लेकिन यदि विभव में इकाई वृद्धि हो रही, इसके विभव में इकाई वृद्धि, एक वृद्धि हुआ हो, तो बच्चा लोग यहां तक क्लियर है कि जब विभव में एक वृद्धि हो रहा तो Q बराबर C, यानी जो C है, जो धारिता है, वो आवेश के मान के ही बराबर होगा, और किस किस कब होगा, किस कंडीशन में होगा, जबकि विभव का मान एक हो, अर्थात विभव में इकाई वृद्धि हो रही हो, अर्थात किसी चालक की धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि चालक पदार्थ के या पदार्थ के विभव में इकाई वृद्धि कर दे।
यहां तक क्लियर है? इतना आप लिखो, पूरा मैं जितना कराता हूं उतना आप लिख लो, ठीक है? इतना यदि आप कर लिए तो बहुत कुछ है, एक भी कुछ अलग नहीं लिखना, जितना मैं करा रहा हूं उतना आप कर लो, ठीक है बच्चा लोग? ओके क्लियर है, यहां तक कंफर्ट हो आप लोग, ठीक है? चलो अब यदि मैं कह दूं थोड़ा सा, थोड़ा देखना आप लोग, थोड़ा यहां पर देखो, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या कहता है, क्यू बराबर सी भी है ना, यहां से यदि आप सी बराबर निकालो तो क्यू अपान भी हो जाए, गुणा में इधर भाग में आएगा, अर्थात किसी चालक की धारिता, आगे लिखना आपको, अर्थात किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता, धारिता उसके आवेश, उसके आवेश या उस पदार्थ को दिए गए आवेश, ठीक है, चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में, उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के, अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। देख लो जरा, ये आपका आवेश है क्यों और ये आपका विभव है, इन दोनों का रेशियो निकालो तो आपका सी का मान आ चुका है। यहां तक क्लियर हो गया हो तो फिर आगे चलते हैं। विद्युत धारिता का मात्रक, मात्रक आपको बताना है, मात्रक कैसे निकालोगे, मात्रक आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्यू है भैया, तो आवेश का मात्रक बटे वी, यानी आपका विभव का मात्रक, विभव का मात्रक तो कितना हो जाएगा, जरा आवेश का मात्रक कितना होता है बच्चा लोग, कूलाम होता है, और प्रति विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ये लो, ये चीज आप लोग लिख लो, जितना मैं करा रहा हूं उतना लिखते चलो, क्योंकि आप पूरा कंप्लीट कर रहे हो, ठीक, ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है? विद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, या हम इसका मात्रक एसआई मात्रक यहां पर लिख लेना, विद्युत धारिता का, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, क्या होता बच्चा लोग, फैराड होता है, ठीक है, क्लियर है? ये हम विभव के साथ साथ भैया रिलेशन बता रहे हैं किसकी, धारिता में, तो यहां पर विभव का मात्रक वोल्ट है, आवेश का मात्रक कूलाम है, तो कूलाम प्रति वोल्ट भी यदि ऑप्शन में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत धारिता का मात्रक। एसआई पद्धति में आपका फैराड है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यदि मैं कह दूं कि सी बराबर, सी मतलब धारिता एक फैराड हो, ये कब होगा, जब आवेश भी एक कूलाम हो, जब आवेश भी एक कूलाम हो और आपका विभव भी एक वोल्ट हो, ठीक है, तब हमारा जो धारिता होगा कितना होगा, एक फैराड होगा, ताकि एक एक से कट जाएगा, ठीक है। अर्थात यहां पर एक निष्कर्ष निकला कि किसी चालक को जब हम एक कूलाम आवेश देते हैं और उसमें विभव की वृद्धि एक वोल्ट होती है, तब उस पर धारिता एक फैराड के बराबर होता है। यानी किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर यदि उसके धारिता में, सॉरी उसके विभव में एक वोल्ट का वृद्धि हो रहा हो, तब उसकी जो धारिता है एक फैराड होती है, ठीक है, तब उसकी धारिता एक फैराड होती है। तो यहां पर लिख दूं, यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने से, एक कूलाम आवेश देने से उसके विभव में, उसके विभव में एक वोल्ट की वृद्धि होती हो, एक वोल्ट की वृद्धि होती हो, तो चालक की धारिता एक फैराड होगी, ओके?
आप लोग लिख लेना, पूरा लिखने का कारण यही है, एक एक पॉइंट बोर्ड पे लिखने का कारण ये है। नहीं तो ये सब चीज मैं वैसे समझा दूं यार, आप लिख लेना, मैं कह दूं भैया नोट्स ले लो तभी आप पढ़ पाओगे, ऐसा नहीं है। जो बच्चा नोट्स नहीं लेना चाहता कोई प्रेशर नहीं है, बस एक नोट्स आपको सहयोग प्रदान करता है पढ़ने में कम समय में। जैसे आपके घर में अब लाइट नहीं है, आपके पास नोट्स है, तो आप खाली समय में है ना अदर चीज व्हाट्सएप फेसबुक ना चला करके आप नोट्स ले लो और नोट्स से पढ़ाई करो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक आप समझ गए होंगे भाई साहब, बहुत कुछ हो गया है आपका, विद्युत धारिता बहुत कुछ हो गया, समझ रहे हैं। चलो अब कुछ चीजें यहां पर आप थोड़ा सा लिखना, एक मिली फेरेड एक माइक्रो फेरेड में कितना फेरेड होता है। ठीक है, दो तीन है जो जीके टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो यहां पर लिखना भाई साहब, एक मिली फेरेड एक मिली में 10 होता है, 10^3 फेरेड। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछते एक माइक्रो फेरेड तो 10^-6 फेरेड। ठीक है, यदि पूछते एक नैनो फेरेड तो बोल देना 10^-9 फेरेड। यदि आपसे कोई पूछ दे एक पीको फेरेड तो पीको फेरेड में आप क्या कह दोगे, 10^-12 फेरेड। अब ये क्या काम का है भैया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ऐसे चीजें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो फिर देर किस बात की, फटाफट कर लो। इसके बाद हम बात कर लेंगे इसके विमीय सूत्र की, इसकी विमीय सूत्र आप लोग खुद निकाल लोगे। अरे सर इतना कमजोर मत समझो, हम लोग बहुत होशियार हैं बच्चे लोग, आप लोग बहुत होशियार हो, ऑलरेडी होशियार हो। देखो जरा आपका C बराबर कितना है भाई साहब, Q/V। ठीक, चलो ठीक है, आवेश तो आवेश रहने दो, लेकिन विभव होता है आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। यदि Q ऊपर चला गया तो Q²/W। ठीक है, अब बताओ आवेश का क्या होता है विमीय सूत्र, धारा गुणे समय, इसको वर्ग लगा दो, और कार्य m(L²)-2, ये कार्य होता है। ठीक है, ये कार्य होता है, ये कार्य का विमीय सूत्र है m(L²)-2। दिख रहा होगा m(L²)-2। कहां पे करूं मैं, फटाफट बता दो भाई साहब, इतना कर ली आप लोग? हाँ सर क्लीन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर विद्युत धारिता पढ़ रहे हो आप, इसके बाद पढ़ोगे किसी गोलीय कवच के कारण कितनी धारिता निकल कर आती है, वो हम इसी लेक्चर में कवर कराएंगे। ठीक, तो आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा, m(L²)-2। देखो बच्चा लोग m ऊपर जाएगा, हाँ सर कर दो, कितना हो जाएगा भाई, L ऊपर जाएगा माइनस में कर दो, t-2 और +2 खत्म कहानी, t^0 कर दो, a² कर दो। ये विमीय सूत्र आ रहा है, लेकिन गड़बड़ आ रहा है। गड़बड़ इसलिए आ रहा है क्योंकि जो कार्य का होता है वो स्क्वायर में होता है, जब माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो पावर में 4 हो जाएगा। ये आप सही है, सही तो है यार, माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया आपका किसका विमीय सूत्र, आ गया धारिता C का विमीय सूत्र। ये हमारा आपका विद्युत धारिता कंप्लीट, विद्युत धारिता का कुछ बेसिक है वो आपको क्लियर हो गया। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, एक नंबर में बन सकते हैं, भैया विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत धारिता मैंने बताया, ठीक है, विद्युत धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है जब जो कि विभव में इकाई क्या कर दे, वृद्धि कर दे। जिसके पास उतनी क्षमता है कि विभव में केवल इकाई वृद्धि करे, तब उसके आवेश के मान को हम क्या बोलते हैं, धारिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गोली चालक की धारिता। यहां तक यदि क्लियर हो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, तब तक मैं इधर क्लीन कर देता हूं। हम दीवाने हो गए हैं आपके, गाना कौन कौन गाते हैं, चलो भाई साहब फटाफट क्लीन करते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कम से कम 40-50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा एक चैप्टर का। ठीक है, MCQ टाइप का क्वेश्चन, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है, चलो क्लीन कर दूं। तो अब आपको पढ़ना है, आपका जो टॉपिक है वो है बच्चा लोग
क्या है सर? गोली ये चालक की धारिता। तो आप लोग हेडिंग लगाएं, गोली ये चालक की धारिता, गोली ये चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता कैसे निकालेंगे? अब पहले हमको इसके लिए धारिता निकालना है, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? एक गोली चालक बनाना पड़ेगा। सपोज दैट मैं यहां पर एक गोली चालक मान लेता हूं, ये मेरा एक गोली चालक है, ठीक है। और जब इसमें आवेश देता हूं प्लस क्यू, क्या आवेश देता हूं? प्लस क्यू। तो इसके पृष्ठ पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित हो जाता है, ठीक है, ठीक। चलो अब मैं यदि कह दूं कि इसके केंद्र में एक बिंदु O है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, तो सही बात है सर। यानी केंद्र O से, केंद्र O से R दूरी पर है ना, कई सारे बिंदु, चार और बिंदु होंगे, ठीक है, R दूरी पर ही है ना। एक आपके पास केंद्र है, O है, R दूरी पर चारों ओर इसके बिंदु होंगे जो एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं। और जब दूरी समान हो, दूरी समान हो तो प्रत्येक बिंदु पर विभव भी क्या होता है? समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव भी क्या होता है? समान होता है। कोई दिक्कत? और आपने पढ़ा है कि विभव का फार्मूला क्या होता है, v बराबर 1/4πε0 के, और यदि q है आवेश तो आवेश जितना भी आवेश है, और दूरी कितना है तो r है, तो r हो गया, k क्या है? माध्यम है। तो यहां पर हम गोली चालक की धारिता से क्वेश्चन बनेगा, गोली चालक की धारिता का फार्मूला निकालो, गोली चालक की धारिता का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हमें एक गोली चालक बनाना पड़ेगा, और चालक बनाने का तात्पर्य है कि इसमें कहीं ना कहीं आवेश देना पड़ेगा। तो हम मान सकते हैं केंद्र O R त्रिज्या का एक गोली कवच है या गोली चालक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, या इसको हम कोई निकाय मान सकते हैं। अब थोड़ा सा यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इसके पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर आवेश समान होगा तो एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। मतलब यहां से मैं यदि ऐसा खींच दूं, ऐसा खींच दूं, हर जगह प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा, चाहे आप कहीं भी खींच दो, ऐसा खींच दो, ये लंबवत बाहर की ओर निकल रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा बाहर की ओर होगी। तो मैं यदि कह दूं ये एक विलगित निकाय है, माना ए एक विलगित निकाय है, जिसकी त्रिज्या आर व केंद्र ओ है, जो कि गोलीय चालक की भांति कार्य करेगा, कार्य करेगा जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, तब इसके पृष्ठ पर समान रूप से आवेश आवेश क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। आवेश क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है, तब यह है समविभव, तब यह समविभव पृष्ठ के भांति कार्य करता है, तब यह समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है, जिससे पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव भी बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 के क्यू बटे आर, ठीक है, इसको आप समीकरण एक दे दो, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है, के माध्यम का परावैद्युतांक है भैया, के माध्यम का कोई यहां पर कोई परावैद्युतांक रखा हुआ है, यानी माध्यम जो हमारा है एक कोई ना कोई माध्यम है। यहां तक क्लियर है? देख लो भाई साहब, बोल दो सर इमला लिखा दिए आप। इमला मतलब जानते हो, जब हम छोटे बच्चे के रूप में थे
तो स्कूल के टीचर क्या कहते हैं, बच्चे लोग एक पेज पूरा लिख कर दिखाओ, उसे हम बोलते हैं इमला, जिसे बोलते हैं शुद्ध सुलेख। तो हमने क्या क्या कहा, एक बिल की निकाय है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, केंद्रो है, गोली चालक की वहाधिकार करेगा, जब इसे प्लस की आवेश देते हैं तो आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, जिसके कारण संविभव पृष्ठ की वहाधिकार करेगा, संविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा, तो भी का मान होता 1/4π0 q/r। कोई दिक्कत? दिक्कत तो बहुत है सर, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। अभी आपने पढ़ा क्या, धारिता। क्या पढ़ा आपने, धारिता C बराबर की अपान भी। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या कहता है, 1/4π0 के क्यू अपान आर। देखो भाई, जो भी हार का हार है ऊपर चला जाएगा, बाकी क्यू से तो क्यू कट ही गया, तो कितना बचा 4π0 के आर। यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो के का मान एक होता है, तब सी बराबर 4π0 r। लो भाई साहब, ये आ गया गोली चालक की धारिता। गोली चालक की धारिता ले, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, ले लो गोली चालक की धारिता। ठीक है, तो यहां पर एक चीज मैं लिखूंगा कि गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या आर के 4π0 गुना होती है, 4π0 गुना होती है। देखो आर के 4π0 गुना होती है। ठीक, यहां तक कर लो बच्चे लोग, इतना भी कर दोगे आप ना किसी गोली चालक के लिए धारिता, तो आपको बराबर नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर। अब थोड़ा सा और मुझे बताना था, और मुझे क्या बताना था वो यहां पर क्लीन करके बता देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। टन टन टन, गोले चालक के लिए धारिता निकल कर आ रहा है। कितना सिंपल है, कितना सिंपल थ्योरम है, ये छोटा सा थ्योरम था। अब देखो बच्चा लोग थोड़ा सा, यदि 4π0 एक नियतांक हो तो C प्रोपोर्शनल R, यानी गोली चालक की धारिता अर्थात गोली चालक की धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है बच्चे लोग, तो ये लो आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका आ चुका है गोली चालक की धारिता। यहां तक यदि आप कर लोगे समीकरण 2 तक तो काफी है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि टेलीग्राम में जरूर आप लोग थोड़ा सा, है ना, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा बच्चा लोग, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मैं वहां पर इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है ना, क्लास डिले हो जाती है, और सुबह शाम 8 बजे क्लास आता है, नित हमेशा आएगा किसी भी सब्जेक्ट का, सुबह शाम 8 बजे अभी चल रहा है। लाइव क्लासेस की सुविधा भी इसलिए नहीं है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है, जब कभी नेटवर्क थोड़ा हमारा अच्छा हो जाएगा तो फिर हम लाइव क्लास लेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें, अच्छे तरीके से क्लास लेंगे, मजा भी आएगा। लेकिन आप प्रॉपर रूप से भी वीडियोज के माध्यम से तैयारी करते रहें, और जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना राय छाप सकते हो, आपको खुली स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।